इन ब्यूटी का हम एक दूसरा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि आई के लिए प्रोडक्ट है, ड्रॉप द बैग्स नाम से। तो इस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करेंगे। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस प्रोडक्ट को देख करके उसको जज करके उसको लेना है कि नहीं उसका डिसीजन बना पाए। तो मैंने कुछ दिन पहले इन ब्यूटी का ही एक अलग प्रोडक्ट डाला था आई अंडर आई जेल से, तो वो प्रोडक्ट का रिव्यू आप देख लेना अगर देखना चाहते हो। तो ये दूसरा वेरिएंट है उनका, ये कुछ इस टाइप से है। मैं आप लोग को रिव्यू देने से पहले इसका कंडीशन दिखा देता हूँ। इसका कुछ इस टाइप से पैकेजिंग है एंड ये पूरा सूख चुका है, जबकि ये एक्सपायर नहीं है। ये देखिए, ये पूरा सूख चुका है इस टाइप से, ये जेल फॉर्म में अब रहा नहीं है, क्योंकि इसका इन्होंने जो ढक्कन लगाया हुआ है इन्होंने वो बहुत लूज है। ये देखिए, सिर्फ इतना ही ऐसा इस टाइप से, ये लूज है ढक्कन। तो कुछ इस टाइप से है प्रोडक्ट। इसका रिव्यू देने से पहले मैं इसका प्राइस आप लोग को बता देता हूँ। 350 रुपीज़ के प्राइस में आता है और इसका क्वांटिटी 7 ग्राम का इसका क्वांटिटी है। तो ये प्रोडक्ट इन्होंने पैकेजिंग कुछ खास की नहीं है इसकी, ये बहुत लूज है, इसकी वजह से ये सूख चुका है। पर ये थोड़ा सा अंडर आई पे काम करता है, क्योंकि बैग्स को हटाता है, पफिनेस को हटाता है। पर इस टाइप से अगर ये सूख जाए और इसका एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लंबा होगा शायद, मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ आप लोग को। 2022 में बना है, शायद इसका एक्सपायरी डेट इसके बॉक्स पे, बाहर के बॉक्स पे मेंशन होगा, पर बॉक्स अभी मेरे पास नहीं है। पर डेफिनेटली इन ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबे होते हैं। पर ये जो सूख चुका है ना, ये हवा की वजह से सूखा है, क्योंकि ये ढक्कन काफ़ी इन्होंने लूज रखा हुआ है। तो कुछ इस टाइप से है प्रोडक्ट। प्राइस की बात की मैंने, क्वांटिटी की बात की, टेक्सचर की बात की कि टेक्सचर में ही कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आता है इसका। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी। क्वालिटी के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा कि क्वालिटी खराब है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। जब मैंने यूज़ किया था इसको, पफिनेस हुआ था आई में, तभी काफ़ी अच्छे से इसको क्योर किया था। तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा मेरा। पर अगर आप कुछ इतना महंगा प्रोडक्ट लेते हो, 350 रुपीज़ आपने मेंशन किया हुआ है, पर ये शायद मिल जाएगा आप लोग को सस्ते रेट पे अमेजोन पे। तो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा नहीं। पर जब मैंने एक बार यूज़ किया था तो फोफिनेस को इसने कम किया था, पर अभी ये सूख चुका है। पर सूखने के बाद भी अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो फिर भी कोई साइड रिएक्शन इससे हुआ नहीं है मुझे। तो मैंने यूज़ किया तो पफिनेस को इसने डेफिनेटली ख़त्म कर ही दिया। तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से। पर ये कितना यूज़ करेंगे ना आप इसको, थोड़ा सा अगर लिक्विडी फॉर्म में होता तो आप इसको इजीली यूज़ कर लेते। तो कुछ इस टाइप से, कंपनी शुड फोकस ऑन दैट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए इस टाइप से उनको। तो कुछ इस टाइप से मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। रेटिंग वीडियो के एंड में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। एंड सजेशन हो आपके पास तो नीचे सजेशन ज़रूर लिखना किसी न्यू रिव्यू के। एंड कोई राय हो आपकी वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई और सजेशन, डिमांड जो भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि कमेंट बॉक्स ओपन होते हैं आजकल, पुराने वीडियो के क्लोज है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि उनके भी मैं ओपन कर दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। बाय बाय।